नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में नहीं थम रहा है फर्जी कंपनियों का फर्जीवाड़ा। तीन और कंपनियां आई सामने, 64 करोड़ का कागजों में हुआ लेन देन। विभाग को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगाया गया। आबकारी एवं कराधान विभाग ने तीनों कंपनियों के खिलाफ में शिकायत पुलिस को दी है। इससे पहले भी 11 कंपनियां फर्जी पाई गई जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, फतेहाबाद में फर्जी कंपनियां बना करके सरकार के राजस्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग की ओर से ऐसी 3 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी गई है। इससे पहले भी विभाग ने ऐसी 11 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दरअसल अभी हाल ही में रतिया की एक कंपनी द्वारा कागजों में फर्जी कंपनी बना करके उसके माध्यम से करोड़ों रुपये के लेन देन केवल कागजों में दिखाया गया और सेल टैक्स विभाग से करीब 4.25 लाख रुपए का इनपुट क्रेडिट टैक्स लेने का प्रयास किया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब उन्हें क्रेडिट इनपुट टैक्स का आवेदन मिला तो विभाग के अधिकारियों की कंपनी द्वारा बताए गए पते पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उस जगह पर न तो कोई कंपनी थी और न ही वहां पर कोई कार्यालय और न ही कंपनी का कथित मालिक वहां पर था। विभाग की जाँच जब आगे बढ़ी तो 2 और ऐसी कंपनियों का खुलासा हुआ जो केवल कागजों में चल रही थी। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। 70 करोड़ के लगभग है ये जो बिल रेज करते हैं, ये केवल मात्र न तो माल आता है न जाता है। अब ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो हमारे माननीय ACS महोदय और ETC साहब हैं, प्रत्येक मीटिंग में अधिकारियों की मीटिंग की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हैं भाई, ये जो बोगस बिलिंग का जो प्रचलन है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और उसी कड़ी में हम भी जो है ना प्रयासरत हैं कि जिले में किसी प्रकार की बोगस बिलिंग न हो पाए। बोगस कंपनियों से पीछे जो हमारे पास अब तक की 200 करोड़ के लगभग इनकी सेल परचेज हमारे संज्ञान में आ चुकी है। ये मोटे तौर पर आप देखोगे तो ये फतेहाबाद जिले में सभी जो डीलर हैं वो कपास की आड़ में गेम खेलते हैं। कपास की मैंने सभी फाइलों का जो अवलोकन किया है, जो इंडस्ट्री वगैरह, उनमें 160 करोड़ के लगभग जो है ना परचेज पाई है जो ओरिजिनली इस क्षेत्र में डील करती हैं। लेकिन ये बोगस फर्म है, ये 200 करोड़ के बिल काट चुकी, ना इनके पास कहीं कॉटन वगैरह आती है ना कोई और। तो इस जिले में कॉटन की आड़ में ये धंधा दिखा रहे हैं भाई, ताकि किसी को संज्ञान में ना आ सके भाई फतेहाबाद में कॉटन होती है तो उसको छिपा सके। ये ACS महोदय और ETC साहब जो है ना हमारी रिव्यू मीटिंग लेते हैं, विभाग की प्रक्रिया का पार्ट है कि भाई फिजिकल सर्वे किया जाए, तो हम भी उसको जो है ना पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो है ना लगे हुए हैं। तो TI और ETO हैं, उन्होंने ही जाकर के अब ये देखी हैं अब इस तरह का मेरे वार्ड में जो है ना बोगस बिलिंग का काम चल रहा है, तो उन्होंने ही इसके ऊपर FIR दर्ज कराई है। चूँकि FIR से राज्य के राजस्व को तुरंत भला तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि बोगस काम करने वालों को एक सबक मिल जाता है। हमारे पास जो इसका ITC का ब्लॉक करने का प्रोविजन है, हम तुरंत जो पोर्टल में हमारे ITC होता है उसको ब्लॉक करके दूसरे जिन जिन राज्यों से इन्होंने माल खरीदा है, जिन राज्यों में इन्होंने माल बेचा है, उनको ये आगाह कर देते हैं कि ये फर्म जो है ना यहाँ बोगस बिलिंग का काम करती है, इनसे तुरंत इनसे आगे जो सेल परचेज जो की है उस पर आगे इनपुट पास ऑन न होने दिया जाए, ताकि राज्य के राजस्व को आगे और नुकसान न पहुंच सके। तो ये GST के प्रचलन के बाद जो सेंट्रल GST या स्टेट की है, ये कितना कितना टैक्सेस जो है इस अभी तक कलेक्ट हो चुका है, कितना फायदा हुआ है विभाग? हमारे पास दोनों क्षेत्र में 50-50% की भागीदारी है, 50% जो है डीलर उनके पास और 50% डीलर जो है ना राज्य के पास है। तो जो कुल टैक्स है वो GST में अब तक 70 करोड़ के लगभग आ चुके हैं, जिसमें से 54 करोड़ के लगभग मेरा स्टेट की जो अथॉरिटी है उनका आया है, 16 करोड़ के लगभग केंद्र की अथॉरिटियों का है। तो इस प्रकार जो केंद्र की जो फर्म है उन पर फिर फोकस करने की जरूरत है कि कहीं बोगस बिलिंग न कर रही हूँ। और ये जो फर्म पकड़ी गई है आमतौर पर इनका भी जुरिडिक्शन इशू केंद्र की फर्मों से ही है, तो हम केंद्र के अधिकारियों को भी सूचित कर देते हैं कि ये जो राज्य में फ्रॉड चल रहा है जिले में विशेष रूप से, उनमें आपके केंद्र के अधिकारी हैं वो भी इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आजकल जो निश्चित मापदंड होने के कारण केंद्र की फर्मों पर हमें FIR दर्ज तो करा देते हैं, लेकिन उनका इनपुट ब्लॉक करना, उसके टैक्स की रिकवरी करना और उससे
किसी प्रकार का राजस्व है उसको हम संग्रहित करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके पास उस क्षेत्र की भी दाई पावर होती है, इसीलिए उनको हम रिक्वेस्ट लेटर डीओ और हमारे ईटीसी महोदय को और अन्य अथॉरिटी को भी सूचित करते रहते हैं, ताकि हमारा जो आगे केंद्र और राज्य का किसी टैक्स में किसी प्रकार की लॉस ना हो पाए। अभी जो तीन कंपनियां सामने आई हैं जो फर्जी बिलिंग की, कौन कौन सी हैं और कितना कितना टैक्स इन्वॉल्वमेंट है? अनुसार ट्रेडिंग कंपनी है जी, एक तो रतिया की जिसने 357 बिल जो है काटे हैं, जो 357 में इसने 65,35,000 रुपए का इसका टैक्स इन्वॉल्व है। इसी तरह कटराइज है जिसमें 10,18,000 रुपया टैक्स इन्वॉल्व है। ओसवाल ट्रेडिंग है इसमें 1,32,52,000 का टैक्स इन्वॉल्व है। तो जो संबंधित जो इस वार्ड का अधिकारी है श्री संजय खिचड़ जी, उनको तुरंत प्रभाव से मैंने कहा कि इसका जो अनाप कार्रवाई करो, तो जो इनपुट जो राज्य का उसको तो मैंने कल ही ब्लॉक करा दिया। अब जो रही बात केंद्र की ज्यूरिडिक्शन में जो जा रहे हैं मैटर, उन अधिकारियों से भी ये व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, और आदरणीय एसीएस महोदय ने ये बताया है कि इनके रजिस्टर मेंटेन करो, जो इंक्वायरी कर रहे हैं उस अधिकारी का नाम भी आप नोट करें और उनसे एक एक महीने में रिपोर्ट लेकर के मेरे को भी बताने का कष्ट करें कि भाई क्या ये FIR दो साल से पड़ी रहती है उनकी तरह न पड़ी रहे और राज्य का राजस्व किसी भी प्रकार से नुकसान न हो पाए। ठीक है।